जब मौत हुई तो आपको मेडिकल कॉलेज से सूचना मिली या नहीं? नहीं, किसी को नहीं मिली। कैसे पता लगा? मैं 10 बजे जब 11 बजे खाना देने आया तो मुझे जब फोन किया, फोन नहीं उन्होंने उठाया, तो मैं पीछे देखने गया तो जो बिल्डिंग है उसकी सीट नीचे वाली मंजिल जो है बिल्कुल खिड़की के किनारे उनकी सीट थी। तो मुझे गया तो उनसे देखा तो बजाया मोबाइल, नहीं बोले, तो मैंने उजट के देखा तो देखा उनकी सीट खाली थी। तो हमने आवाज़ दी तो पड़ोस वाला आया, उससे हमने पूछा कि भैया ये कहाँ है, तो कहे ये सुबह ही ख़त्म हुआ है। और बहुत बुरे हालात दिन पर दिन मेडिकल कॉलेज के होते जा रहे हैं। स्वर्गधाम गर्रा घाट पर 20 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 कोरोना से थे और 17 लोग घरों पे मरे। घरों पे मरने का कारण यह था, उनका ये कहना था मेडिकल कॉलेज में नहीं ले जाएंगे, वहां मौतें होती हैं। लेकिन आपको बता दें, इन सबका भुगतमान कौन भुगतता है? पुलिस और जो स्टाफ है ट्रामा सेंटर का, वो और मीडिया। लेकिन बड़े अधिकारी अभी तक मेडिकल कॉलेज में कोई भी झांकने तक नहीं आया कि क्या हो रहा है। बस से बदतर हालात हो रहे हैं। भुगतमान किसको भुगतना पड़ता है? जो स्टाफ है ट्रॉमा सेंटर में, वार्ड बॉय नर्सिंग, इनको भुगतमान भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब मरीज आता है और उसके बाद में तीमारदारों को सहूलियत नहीं मिलती है तो वो सारा ठीकड़ा फोड़ते हैं स्टाफ के ऊपर, और स्टाफ से फिर होती है तू-तू में, और जब लड़ाई होती है तो मामला पहुंचता है मेडिकल में बनी चौकी के ऊपर, और जब विवाद होता है तो पहुंच जाते हैं पत्रकार। लेकिन तीमारदारों ने, आपको बता दें, बीते दिन पुलिस को भी ना छोड़ा, मेडिकल स्टाफ को भी ना छोड़ा और पत्रकारों को भी ना छोड़ा, जमकर खरी खोटी सबको सुनाई जब परेशान हो गए। मामला क्या था? मामला ये था कि आपको बता दें, महिला तड़प रही थी, उसके पति तड़प रहा था, इसी बीच ये शख्स आ गया और आने के बाद में इसने सहायता करी, सहायता करने के बाद एक समाज सेवा करी, इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर के स्टाफ से और इस व्यक्ति की तू-तू में हो गई, मारामारी हो गई। लेकिन जब ट्रामा सेंटर के अंदर जाके मालूम करा तो महिला मीडिया पर चढ़ बैठी, कहने लगा इनकी तीमारदारी करने के लिए आ गए, लेकिन हमारे लिए तो ये भगवान है, इन्होंने हमारी मदद करी, यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है। उसके बाद चौकी के सिपाही ने मामले को संभाला, लेकिन विस्तार से हम आपको सुनाएंगे। और उसके बाद कितना बड़ा घोटाला और कितना बड़ा गम एक डॉक्टर को मिला, वो हम सुनाएंगे बात को। लेकिन कुल मिला के आपको बता दे, गर्रा स्वर्गधाम के ऊपर 20 अंत्येष्टियां हुई, जिसमें 3 कोरोना से हुई, 17 घरों पर हुई। जब हमने पूछा ऐसा क्या है तो लोगों का ये कहना है, हम अपने घर पर इलाज करेंगे, मरे ये जिए आंखों से तो देख लेंगे, मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं वह देखने नहीं देते हैं और कोई भी इंतजाम नहीं है। क्या कुछ कहना है परिवार वालों का? विस्तार से सुनिए। आप बताइए क्या था? इनका सिलेंडर फट गया, वो टेप लगाया मैंने, ये टेप लगा के दिया मैं इनकी मदद करने, मैंने उनका टेप लगाया। आप गलत कर रहे हैं, वो टेप गिरा रहे हैं। ऐसी बात, ये देखिए नंबर, देखिए मैं खुद रहता हूँ, मैंने डीएम साहब को फोन करवाया भैया। आप लोग भैया से फोन करवाया, इन्होंने डीएम साहब को कराया, हमने खुद डीएम साहब को फोन करके कहा, हमने डीएम साहब को कराया, हमने खुद डीएम साहब को फोन करके कहा, हमने डीएम साहब को कराया, हमने खुद डीएम साहब को फोन करके कहा, हमने बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दिन से सुबह से हमें केवल आधा घंटा लगा, केवल यहाँ आए, केवल हमारे संग बदतमीज इन लोगों की, इनकी इनका दिखाएं हम लोग, ये देखिए कोई बात है, अभी हम दिखाते हैं। आपने इनकी इनकी सुन ली? आपने किसी की नहीं सुनी, सबसे पहले हमने इनकी माताजी की सुनी, अभी मेरी किसी से बात नहीं, हमने सुनी है, हमने ये सुना कि तुमने जो इनके अध्यक्ष हैं उनके ऊपर हाथ छोड़ा। नहीं नहीं, कतई नहीं, मेरा अभी आप मुझे, हमने किसी को किया हो, किसी की मदद नहीं, आप अगर ये हमें मिल गए तो भैया हमने इनसे भी कहा, सबसे हम कह रहे हैं, किसी ने कुछ सुना पा रहा? ये तो आए खड़े हैं, इनको सुन नहीं रहे भाई, आप इनकी सुनो समस्या, बगैर ऑक्सीजन नहीं है, बगैर ऑक्सीजन के ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं है, 42 में आ गई, कितनी देर से नहीं ऑक्सीजन,
देर हो गई, कितनी देर से नहीं आया? ये तो हमारा अपना चंडिया है। ये सिलेंडर कौन लाया था? ये हम लाए थे, हमारा अपना लाए हैं। ये लाया था, ये हम लाए थे, हमारा अपना लाए हैं। ये लाया था, ये हम लाए थे, हमारा अपना लाए हैं। ये अब वो भी कह रहे हैं सिक्योरिटी जमा करो, ये कैसे सिक्योरिटी जमा करने? क्या कह रहे हैं? अब अपना ये सिलेंडर नहीं है, अब हमने दूसरा सिलेंडर लगाने के लिए कहा है तो मेरा खत्म हो गया, तो कह रहे हैं उसके एवज में जमा करो सिक्योरिटी, फिर सिलेंडर दे। ये तो पराया सिलेंडर हम लेके आए। ये बताओ पहले, हमारा हस्बैंड यहाँ पड़े थे, 35 ऑक्सीमीट वो हो गया था, समझ गए? हम तो भैया सबसे कह रहे भैया हमारी कोई मदद कर दे, तब आप कहाँ थे? उसके सड़ फाड़ दी जिसने कोई कुछ करा किसी के साथ। हमारा हस्बैंड यहाँ पड़े थे, 35 ऑक्सीमीट वो हो गया था, समझ गए? हम तो भैया सबसे कह रहे भैया हमारी कोई मदद कर दे, तब आप कहाँ थे? उसके सड़ फाड़ दी जिसने कोई कुछ करा किसी के साथ। सही कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसा है, आप अपनी जगह सही हो, आपका गुस्सा है ऐसा है। मतलब ये जो इसने जो करा है वो एक मानवता के नाते काम करा, तो मानवता के नाते करे भैया, कोई शहर में इतने सारे लोग मिलने वाले होते हैं? नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही, इसने एक हमदर्दी करी, उस हमदर्दी को गलत बताया गया। और सुना आपने, मीडिया पर भी सवार हो गए मरीज, लेकिन हम जानते हैं दर्द क्या होता है, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिला अधिकारी को फोन भी लगाया लेकिन जिला अधिकारी नहीं आए। आपको बता दें कि तीमारदार परेशान, लेकिन जब किसी ने मदद करी तो उसकी मदद का इल्जाम दूसरा मिला। इस बीच स्टाफ परेशान था, तू मेमे हो गई, दिन भर का मेहनत करता स्टाफ, और उसके बाद में आपको बता दें सबसे बड़ी लापरवाही अधिकारी कि उसके बाद पहुंचे हम स्वर्गधाम, और स्वर्गधाम पहुंचने के बाद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट नर्सिंग होम ने एक मरीज को नहीं दिया, और कहने लगे जब तक नहीं देंगे, जब तक पैसे नहीं दोगे। हमने जाके बात करी, मरीज को दिलवाया, फिर हम स्वर्गधाम लेकर आए, लेकिन इस तरह बिचारों ने अंत्येष्टि करी, और करने के बाद आपको बता दे बेहद बस से बदतर हालात हैं, लेकिन किसी भी जिला किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये हालात हो गए, आपको आगे हम दिखाएंगे इससे बदतर हालात। जब हमने पूछा, पूछने के बाद ये पता लगा कि अब मेडिकल कॉलेज में मरीजों को लाना बंद कर दिया गया, तीमारदारों ने ये कहा कि मेरा मरीज मरेगा मेरी आंखों के सामने, हम वहां नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वहां मरीजों की देखभाल नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, कोई कुछ देखने को तैयार नहीं। यही कारण रहा जो आज मरने वालों की संख्या हुई 20, स्वर्गधाम में 20 लोग आज अंत्येष्टि हुई, जिसमें 3 लोग कोरोना से थे, लेकिन जो कोरोना से थे उनका क्या कहना है, दिल दहला देने वाला उन्होंने नजारा बताया। तरह एक बार आप भी सुनिए, उन्होंने जो कहा है क्या कहना है उनका, सुनिए। कटियार जी की जब मौत हुई तो आपको मेडिकल कॉलेज से सूचना मिली या नहीं? नहीं, किसी को नहीं मिली। कैसे पता लगा? मैं 11 बजे खाना देने आया तो मुझे जब फोन किया, फोन नहीं उन्होंने उठाया, तो मैं पीछे देखने गया तो जो बिल्डिंग है उसकी सीट नीचे वाली मंजिल जो है बिल्कुल खिड़की के किनारे उनकी सीट थी, तो मुझे गया तो उनसे देखा तो बजाया मोबाइल, नहीं बोले तो मैंने उजट के देखा तो देखा उनकी सीट खाली थी, तो हमने आवाज़ दी तो पड़ोस वाला आया, उससे हमने पूछा कि भैया ये कहाँ है, तो कहे ये सुबह ही ख़त्म हुआ है, अस्पताल की तरफ से कोई सूचना नहीं। फिर आपने शवगृह पे आए होंगे आप? नहीं, शवगृह नहीं, फिर हमने जब उसने बता दिया तो हमने अपने भाई को डॉक्टर फ़ोन किया, फिर हमने शवगृह पे नहीं, फिर करीब 12:30 बजे अंदर से निकाली गई बॉडी, फिर उस पर सब पे रखी गई तो मुझे दिखाया गया ये है, हमने कहा ये है, तो पहचाना आपने? जी, तब वो मर्चरी में गई।
तब हम लोग जब आए घर पे यहाँ, तब फिर मर्चरी से यहाँ अंतिम, मतलब जो भी करा वो अपने स्तर से आपने करा, मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई सूचना मुहैया नहीं हुई? नहीं। क्या मानते हैं आप चाचा, क्या मानते हैं? मानते हैं कि अंदर कोई डॉक्टर तो देखता नहीं, सब नर्स वो वार्ड बॉय देखते हैं। क्या क्या लापरवाही तो आई, पता नहीं है अंदर क्या करते हैं, यही नहीं पता है भाई। जाने किसी को देते नहीं तो ये क्या करते हैं ये तो पता नहीं है। अब वो शाम को बताया था उसने, मेरी 90 ऑक्सीजन थी। अच्छा, शाम को बात? हाँ, उससे डेली बात होती थी, सुबह शाम डेली बेटे ने उनके बात की तो कहा यहाँ ये लोग मार डालेंगे, हमें निकाल लो। अच्छा, ये बात उन्होंने कही? उन्होंने कहा ये बात। तब मैंने सतानंद के यहाँ आया सुबह ही पहले, तो उन्होंने कहा बेट नहीं है, देखो अगर होती तो व्यवस्था करते हैं। तब मैं देखने गया उसको कि हमने कहा यहाँ से ट्रांसफर उसको वहाँ करा दें। आपको डेथ डिस्चार्ज मिला नहीं? डिस्चार्ज अभी तो नहीं मिला। और अब जरा उससे बड़ा दिल दहला देने वाला नजारा देखिए, ड्रामा सेंटर में क्या हालात हैं। स्टाफ परेशान है लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। देख लीजिए, ड्रामा सेंटर भर जाता है, लोग फर्श पर लेट जाते हैं और इसका भुगतमान भुगतना पड़ता है स्टाफ को। स्टाफ को खरी खोटी सुनाई जाती है और फिर बाद विवाद हो जाता है, जिस कारण बात बढ़ जाती, झगड़ा फसाद हो जाता है। लेकिन हमने जब पूछा परेशान से, तो जरा सुनिए क्या बताया उस बेचारे ने। भैया क्या नाम है इनका? समल लता। पति का नाम? राजीव कुमार। कहाँ से आए? रसोलपुर तफजुल हुसैन से। थाना पसुमा। अच्छा, तो क्या परेशानी है, क्या आपको नहीं मिला? मतलब सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप यहाँ लाए तो क्या कहा? यहाँ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ कब से बैठी हैं? अभी तो आया है, कोई उठाने नहीं आया जी। आप अभी हमें ही लेके आए? नहीं, यहाँ से कोई स्ट्रेचर या बेड कुछ नहीं मिला? कोई नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए।